नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कल जो हमने स्टेटमेंट दिया था बाज़ार के अंदर, और मैंने नौजवान साथियों से ये कहा था आज जो है 2 बजे यहाँ ईदगाह के अंदर जो है मशवरा होगा कि ये जो DDC इलेक्शन आ रहा है इसके लिए जो है कैंडिडेट हमें जो नौजवान होना चाहिए या जो है अवाम की तरफ से चुना हुआ एक नुमाइंदा होना चाहिए, ये खुद जो है हम पे मसल्लत हो रहे हैं, इनसे हमें बचना है। इसलिए मैंने नौजवानों से गुजारिश की थी कि सब नौजवान यहाँ ईदगाह के अंदर जमा हो जाएं और हमें कोई कैंडिडेट चुनना है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से जो आ जाए इनका शुक्रगुजार हूँ, और जो नहीं भी आए उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उनसे दरख्वास्त की जाती है कि 19 तारीख को जो है मशवरे से तय हुआ कि 19 तारीख को तमाम नौजवान, जितने भी यूथ के नौजवान हैं, जितनी भी हमारी 8 पंचायतें कहरा के अंदर जो है केंचा से इधर और त्रंकल से इधर और चंपल तक जो हमारी 10 पंचायतें पीछे वाली, 8 पंचायतें यहाँ, 18 पंचायतों का जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि 19 तारीख को 10 बजे यहाँ ईदगाह के अंदर जमा हो जाएं, और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होगा उसको ही आवाम चुनेगी, क्योंकि हमें ईमानदारी से होना चाहिए। कांग्रेस ने जो है 5 कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो है NC ने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, BJP ने भी 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इतने ये कश्मीरी के अंदर बताते हैं कि ज़्यादा दांत खाला चिन पाकन, ये ज़्यादा हो गया, लिहाजा हम सेलेक्टेड करेंगे जो हमारे नौजवान, जो नौजवानों का रोजगार के सोचेगा, जो नौजवानों का जो है जो इनकी तरक्की के लिए सोचे, इनकी नौकरी के लिए सोचे, प्रोजेक्टों की तरक्की के लिए सोचे, प्रोजेक्ट खोलने के लिए सोचे, जो कि नौजवानों का रोजगार बने, उस लिए हमने नुमाइंदा चुनना है। इस नुमाइंदे को बहुत बड़ी पावर होगी, ये नुमाइंदा जो है एक मिनिस्टर होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का मिनिस्टर होगा, इसलिए हमने सोच समझ के मैं तमाम बाशूर नौजवानों और बुजुर्गों और जो भी सियासी लीडर हैं वो बीच में आ जाएं। 19 तारीख को 10 बजे हमने यहाँ कहरा जो है ईदगाह के अंदर मीटिंग रखी है, तमाम इलाका के मौजूद बाशूर लोग जो भी हैं वो यहाँ इस मीटिंग में आ जाएं, ताकि हम कैंडिडेट एक जो है लिखा पढ़ा हुआ कैंडिडेट चुने, क्योंकि मैं भी एक ब्लॉक प्रेसिडेंट PDP का हूँ, मैं भी चाहता था लेकिन मैं पीछे हट गया। क्यों? हमें एक नौजवान की ज़रूरत है, पढ़े लिखे की ज़रूरत है, जो इस आवाम का सोचे, जो इस आवाम की रोज़गार का सोचे, प्रोजेक्टों का सोचे, इलाके की तरक्की का सोचे। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नौजवान होने चाहिए, और इस वक्त अगर हम 20 नौजवान 30 40 50 नौजवान हैं, और 19 तारीख को हमें यहाँ 300 नौजवान होना चाहिए। सर, जो बात कर रहे हैं ठीक है ना, इंशाल्लाह रहमान।